तुमने लेट कर दिया। सिट्रोन खुलता हुआ तो लेट है। हाँ सिट्रोन यार, ओ भाई अभी नहीं बताना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड फाइनली द डे हैज अराइव्ड। आज मैं जा रहा हूँ अपनी न्यू कार की डिलीवरी लेने। एंड वैसे ना मैं अपने इंट्रोडक्शन हर वीडियो में देता नहीं हूँ, बट जो जो मेरे भाई लोग नए जुड़ रहे हैं, मेरा नाम है यश, 22 साल मेरी उम्र है। YouTube पे वीडियोस तो मैं बहुत पहले से डाल रहा था, कुछ भी डालता था उस टाइम पे समझ नहीं थी। बट एक टाइम ना ऐसा है कि भाई फैमिली में ना एक और नई कार चाहिए थी, तो हमने ना वरना ली थी। उसके पीछे की बैक स्टोरी है, वो कभी और बात करेंगे, नहीं तो जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पता ही है। बिल्कुल ही रैंडमली ना हमारे घर में वरना आई, और वरना की ना मैंने ऐसी रैंडमली वीडियोस डाल दी लॉकडाउन में, जो 2021 में 2-3 महीने का लॉकडाउन लगा था, तो बस उधर से शुरुआत होगी थी। फिर अभी 3-4 महीने पहले हमने थार ली, और आज हम लेने वाले हैं अपनी एक और न्यू कार। बट मैं आपको ना पहली डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई टॉप मॉडल नहीं होएगा, जैसे वरना का टॉप मॉडल था, थार का टॉप मॉडल था। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ना हम यही प्रेफर करते हैं कि मतलब मेरे घर वाले की टॉप मॉडल हैं, बाहर से छिड़वाए ना। बट जो ये वाली कार होने वाली है ना, ये ना ऐसे मतलब कि सेकेंडरी कार होने वाली है, और मेरे लिए ना ये बहुत स्पेशल है। एंड इसके पीछे जो रीज़न है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए स्पेशल है, भाई ये ना मैं अपने नाम पे ले रहा हूँ, और मतलब एक स्पेशल फील होती है ना, कोई आप चीज अपने नाम पे ले रहे हो, आपने ही पैसे भरने हैं, तो समझ रहे हो ना। मतलब कि इंस्टाग्राम पे भी ना मैंने स्टोरी डाली थी #selfearned करके, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग ना कनेक्ट हो सकते हैं, उधर जल्दी अपडेट्स आ जाती हैं। व्लॉग तो वाला लेट ही आएगा, बट यार आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वीडियो में ना बिल्कुल ही पॉजिटिव वाइब्स ही रहने देना, खासकर कमेंट सेक्शन में। ये मत बोलना कि भाई ये वाली क्यों नहीं ली, वो वाली क्यों नहीं ली, वो बाद में फिर कभी किसी और वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि यही कार क्यों ली। फिलहाल तो ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम घर से निकलते हैं, एंड मेरा मन ये था भाई घर से स्टार्ट करता हूँ, और आपको ना मैं टफी से भी मिलवाता हूँ। ये देख लो सो रहा है, एक्साइटेड नहीं है क्या तू? आज नई कार आ रही है, हैं हमें बच्चे। एंड भगवान जी के भी एक बार आप दर्शन कर लीजिए। बाय टफी, लेट्स गो। ये है आज का हमारा ओटीडी, शर्ट, जीन्स, शूज, एंड एक फाइल है मेरे हाथ में जो कि डॉक्यूमेंटेशन की है। एंड अब इस गैरेज में भाई एक और कार ऐड हो जाएगी। वैसे तो थार अब इधर खड़ा करेगी, बाइक इधर कर देंगे वरना पीछे, बट एक कार की जगह कमी पड़ेगी। अब जो नई कार आ रही है वो देखते हैं हम कहाँ पे पार्क करेंगे, इधर या फिर इधर ही, थार को इधर कर देंगे, थार तो भाई रफ टफ है। चलो देखते हैं भाई, लेट्स गो। रास्ते में देखो भाई टोल तो हमारे यहाँ पड़ता ही है, और जाम इतना ज्यादा है ना टोल पे। और आज हम जा रहे हैं 4 बंदे डिलीवरी लेने, तो भाई क्या हाल है इनका? तो कुछ और प्लान था, कहते डिलीवरी की जगह कहीं और चल लो, बट वो प्रोग्राम हम बाद में करेंगे। पीछे बैठे हैं यतिन भैया, क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया भाई। और साइड में बैठे हैं अनमोल भैया, क्या हाल है भैया? बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। और मजे में हो? एकदम मजे। एक्साइटेड हो कार की डिलीवरी के लिए? सुबह 9 बजे से कह रहे, सुबह 9 बजे से सही में भैया? कहते 9 बजे से मैं तो रेडी था, तुमने लेट कर दिया। सिट्रोन खुलता हुआ तो लेट है। हाँ सिट्रोन यार, ओ भाई अभी नहीं बताना था। चल सिट्रोन की कार आपको पता चल गई होगी, बट मॉडल तो नहीं पता, कोई बात नहीं, चलते हैं। और हम जा रहे हैं चंडीगढ़, क्योंकि सिट्रोन का जो शोरूम है भाई वो चंडीगढ़ में ही है, पंचकुला में है नहीं। ये कब तेरा चेंज हुआ? कल तक तो i20 था भाई। ऐसा ही होता है हमारा, चेंज भाई। अभी तो आपको सरप्राइज मिलेगा। भाई अभी ना मैंने इनमें से किसी को भी मतलब कि वो नहीं बताया कि कौन सी कार हम ले रहे हैं, सबको अलग अलग बता रखे है। लेट्स सी क्या सीन बनता है। अभी तो आप देखना भाई, आप क्या हो गए हैं, हम एलांटे मॉल क्यों जा रहे हैं? एलांटे खुलने तो दे, इतनी जल्दी तूने गाड़ी निकाल ली। भाई यही तो सीन है, 12 बजे खुल जाते, 12 बजे हमने पहुंचना है। सबसे पहले अपनी कार चक के घर आके सो जाने वापस। What? पूरा प्रोग्राम आज का सेट है गाइस, पूजा पूजा करा के। i20 तो हमने जब देखी पंचकुला, तो एलांटे क्या करने जा रहा है तू? भाई यही तो आपको सरप्राइज मिलेगा। ये भी देखो सोच में पड़ गया है, सोच है कह रहे हो क्या गया, नींद में आए अभी। BMW तो नहीं है? BMW एलांटे के सामने है भाई। BMW के जितना बजट होता तो भाई क्या यार भैया, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, 9 से मतलब मैक्सिमम 10 लाख, 10 लाख की BMW तो वही मिलेगी, जो 2010 मॉडल नहीं होती 320 टूटी फूटी थी, लेके बस एक वो हो जाता है स्टेयरिंग पे BMW का लोगो है, वाइब आ जाती है। वाओ बड़ी कार चला रहे हैं हम। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम
देख लो देख लो देख लो, शोरूम दिख रहा है कोई? चलो कोई बात नहीं, एलांटे मोला इन्हें बोल दे भाई डिलीवरी है कर लो, इधर जाने डिलीवरी है नहीं कार की। पहला पड़ाव तो पता चल गया आप लोगों को कि नेक्सा के शोरूम से हम कौन सी कार ले रहे हैं। ओए नंबर नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये नहीं है, आपको बाद के क्लिप्स पहले दिखा रहे हैं। चले अंदर, फिर फाइल वगैरह तो बाद में लेके जाएंगे, पहले पीडीआई तो कर ले अपनी कार की। यही तो नहीं ले रहा भाई, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, छोटी है हमारी तो, बहुत ज्यादा छोटी है हमारी तो। नहीं नहीं भाई, यही है यही है, तुम कहाँ जा रहे हो? यही है, ये देखो ये देखो। बट भाई बढ़िया चीज है, शोरूम देख लो कहाँ पे है, एलांटे मॉल में। यार भाई रोना नहीं है यार। हाँ भैया ये पसंद आ रही है? नहीं नहीं नहीं, एस यू वी तो हमारे पास जिसे कहते हैं ना बाप ऑफ ऑल एस यू वी, हमारे पास थार। कसम से ये नहीं है गाड़ी। नहीं भाई, फील तो भाई तगड़ी है इसकी, कोई कमी नहीं है। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, उसमें इसकी इतनी तारीफ करी है भाई, कार एक नंबर है। कोई ग्रैंड विटारा देख रहा है तो ले सकता है। जो हमने कार लेनी है ना वो इधर खड़ी हुई नहीं है, बताओ कौन सी कार नहीं खड़ी हुई? नहीं भाई, नेक्सा में मिलती है। इग्निस, इग्निस कहाँ है? इधर देखो कहाँ है इग्निस। हाँ जी भैया, बड़ा टाइम हो गया, कर रहे हो वेट? भाई टाइम देखो, 2 बज चुके हैं। वो खड़ी है हमारी कार, पूरी प्लानिंग है भाई, इधर से लेंगे डिलीवरी, सीधा उड़ाएंगे बीएमडब्ल्यू के शोरूम में। Bro, what are you talking about, man? Finally guys, हमारी कार आ चुकी है, अभी लगेगी डिलीवरी के उधर। लेट्स सी, अभी हम पर्दा वगैरह निकालते हैं भाई, आगे इग्निस हमारी पहली रिवील कर दी, पहली बार होगा कि पर्दे से पहले हमने बता दी भाई हमारी कार आ गई इग्निस। और यार अंधेरा हूँ दूर में, क्या क्या हाइप बनानी भाई। ये खड़ी है हमारी कार, अब फाइनली से हम रिवील करेंगे। एंड ये देख सकते हैं आप, गुडीज भी आप इसे कह सकते हैं। तो फाइनली गाइस, ये है हमारी कार जो मैंने अब रिवील कर दी है, इन डिटेल अभी बाहर निकल के बात करेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू हरसिमरन पाजी, बहुत ही बढ़िया सर्विस थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। अगर आप लोग चंडीगढ़ रहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो ही रहेगा, इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करना भाई। इतनी स्मूथ सर्विस एक्सपीरियंस ना मुझे वरना में मिला था, ना थार में भाई, जो इसमें मिला। एंड इनके सीनियर है मिस्टर राजेश ठाकुर जी। तो सर जैसे ना ज़्यादातर यही बोलते हैं कि आपने अच्छा मतलब कोऑपरेट करा, हम एज अ कस्टमर कैसे थे, ज़्यादा परेशान तो नहीं करा हमने, बढ़िया रहा। बट आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था यार, नेक्सा शोरूम का बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये खड़ी हमारी कार, डिलीवरी वगैरह हमने ले ली है और बेस मॉडल है, फीचर्स तो इसमें मैं आपको क्या ही बताऊंगा, बट स्टिल रिमोट की इसमें आ जाती है। नाइस, और कुछ फीचर्स बताओ सर, चलो बेस मॉडल के। सेंट्रल लॉकिंग आ गई, ठीक है। हाँ जी, बाकी पावर विंडो का कंट्रोल यहीं से है, कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से इजी। ड्राइवर साइड जो है ऑटो डाउन एंड अप है, इसमें एंटी पिंच भी है, देख रहे फिर फीचर है फीचर। और लोक अनलॉक करने के लिए पावर विंडो चाइल्ड लॉक है, ये तीनों पावर विंडोज लॉक हो जाएंगे अगर नहीं ऑपरेट करना, अच्छा, बच्चे बैठे हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए। स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन आ जाता है, लाइक पॉइंट पे गाड़ी बंद हो जाती है, स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए प्रोविजन है। अच्छा, सिस्टम के लिए प्रोविजन दे रखा है। सिस्टम वैसे आप लगा भी देते हैं इधर? क्या रेट होते हैं इनके? एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले वाला 15,000 से स्टार्ट। अच्छा, वो महंगा है। और भाई आपको ना एक खास बात बताता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग देख लो इसकी, 13 सितंबर को ही हुई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल ही गरम गरम पीस मिला है। नाइस नाइस। चलो भाई पहला स्टार्ट अब हम कर रहे हैं, 1 2 3। भाई साहब कर दे वही वाला सीन, पोलो वाला, उड़ा दे कार। एंड यार अभी तक आपको पता चल गया होगा, ये है बलिनो सिग्मा, यानी कि बेस मॉडल
इस वीडियो में ना आप ये मत कमेंट करना भाई ये कार क्यों बाय करी, बेस मॉडल क्यों, बहुत ही बड़ी कहानी है भाई। इससे पहले आपको पता है मेरे पे कौन कौन सी कार हैं, तो ये हमारी थर्ड कार है, ये रहे देखो थर्ड कार है, बिल्कुल ही सेकेंडरी कार है भाई, ये काम में जैसे यूज होगी, बट इसमें ना मैं बहुत ही जल्दी मतलब ऐसी सीरीज नहीं लाऊंगा, ये करा दिया वो करा दिया, एकदम ही ना आपको बिल्कुल ही अलग ही दिखने वाली है ये, कहीं पे मैंने दे देनी अपना ये होता रहेगा, ऐसी कोई सीरीज नहीं आएंगी आज, ओवरवीएम चेंज, आज इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे आप देखते हो वीडियो वगैरह, बहुत ही अलग सीन इसका हम करेंगे। प्रोजेक्ट कार वगैरह भाई कुछ नहीं है, कंटेंट के लिए आपको पता है जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं, मैं आज तक तो कोई कार नहीं ली, ये भी ना धक्के से बस, मैं क्या बताऊँ हमारे घर में क्या सीन था, फ्यूचर वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, बट एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, घर पापा है ना भाई उनका बहुत मन था कि एक छोटी सी कार चाहिए सिटी के लिए, उनसे थार नहीं चलती थी यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब देखो भाई बुढ़ापा तो आ ही रहा है पापा को, तो ये सीन था, वरना मैं चलाता हूँ आप लोगों को पता ही है। बाकी बातें अभी हम करते हैं, घर की साइड चलते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं। जो सबसे पहला काम हम इसमें करने वाले हैं वो कराने वाले हैं भाई टंकी फुल, इसकी 42 लीटर के अराउंड इसकी टंकी है, पेट्रोल है ये भाई, डीजल मारुति बनाती ही नहीं है, वो डलवाने इसमें ऑक्टेन 94 कौन सा होता है स्पोर्ट्स कार बना दे इसको, इसका पेट भरना भी हाँ भाई, बट एवरेज इसकी भाई बढ़िया होगी, मेन रीजन यही था भाई सिटी ड्राइव में ना, फुल कर दो। 3700 का हमारा आ चुका है पेट्रोल, 38.45 लीटर भाई, फुल करा के ना रेंज देखो कितनी आई है 408 किलोमीटर की, और इसमें वो है भाई स्मार्ट हाइब्रिड भी तो बोलते हैं, ड्यूल जेट इंजन को मारुति वाले, ऑटो ऑन ऑफ का बटन तो ये बंद हो चुकी है, और बढ़िया चीज ऑटोमेटिक एसी, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे भाई क्या क्या बढ़िया, अभी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जैसे मैंने रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था भाई, वही रीजन है पहली कार जो मेरे नाम पे है। नाइस यार, पूजा वगैरह तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सोसाइटी में जाके हम कराएंगे, और वो देखो पीछे आ रही है वरना, एंड पापा भी आए थे आपने वीडियोस में देखा भी होगा, वो ले गए भाई थार अपनी काम पे जीरकपुर, ये दोनों कारें मैं लेके जा रहा हूँ घर। बट यार जो अभी तक मैं फील कर रहा हूँ ना, पहले तो देखो बिल्कुल ही सरियल फील है, मतलब कि अपने नाम पे भाई कार, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, तो भाई बीइंग ए मिडिल क्लास बॉय ना मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है भाई, चाहे मैं ऑल्टो भी ले रहा होता ना यार, भले ये बलिनो का भी चलो बेस मॉडल है मुझे पता है आप लोग यही सोचेंगे भाई बेस मॉडल लेके क्या है तूने उखाड़ लिया, बट यार जो फील होती है ना पहली कार जो अपने नाम पे होती है वो अलग ही होती है, क्यों भैया चाहे कोई सी कार हो यार, चाहे मैं नैनो ले रहा होता है ना, एंड मैं भी होती है ना हाँ उसकी भी अपने नाम पे अलग फील होती है यार, मतलब एक प्राउड फील कह लो कुछ कह लो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे और भाई होंगे उनके लिए भी बड़ी बात होगी भाई जब वो अपनी पहली चीज ली होगी उन्होंने या फिर लेंगे, क्योंकि जिसे कहते हैं भाई डिफरेंट फील है, और मैं आपको ना एक बड़ी दम पे कुछ करना हाँ अपने दम पे करना, पापा से हटके भाई, पापा भी खुश हैं कि भाई चलो बढ़िया है, भले चलानी पापा ने बट एक होते ना कि ठीक है भाई घर की कार है, मतलब क्या ही बताऊं मैं। और ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ भाई, ऑन रोड ना मुझे पड़ी है 750 के अराउंड, मतलब कि 730-740 मतलब 730,000-740,000, मैं अगर चाहता ना भाई, वैसे वरना ये टाइम भी मेरा यही मन था, मैंने आपको शायद बताया भी था कि 10-11 लाख में BMW वगैरह 3 सीरीज, यार इधर मतलब कि मेरी फील्ड भी यही है तो जो डीलर्स वगैरह है मेरी सबसे अच्छी बातचीत है जानते ही है तो मिल जाती, बट जो नई कार की स्मेल है ना भाई वो भाई अनबीटेबल है, जो नई कार की फील है ना चाहे वो ऑल्टो क्यों ना, चाहे कोई सी कार हो भाई छोटी से छोटी नैनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल है। चलो बहुत सीरियस बात हो गई, इधर देखो भाई क्या लिखा है, सॉरी गर्ल्स माई डैड इज वेरी स्ट्रिक्ट, क्या बात है हमारे पापा भी बड़े स्ट्रिक्ट है यार, तभी हम सिंगल रह गए। तो भाई फिलहाल तो ना मैं घर पहुंच चुका हूँ कार लेके, ये रही हमारी पार्किंग जहाँ से शुरुआत करी थी हमने ब्लॉग की, अब मैंने मम्मी को बुलाया नीचे, मैं कहा मम्मी आप भी देख लो कार, जो हमारी दूसरी कार है ना थार और वरना वो है मम्मी के नाम पे, अब मम्मी का रिएक्शन देखते हैं इस कार को देख के। वैसे ना मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, जैसे होता है देसी हाउस होल्ड फुल वही वाला सीन है भाई हमारे घर में भी, मेरी मम्मी भी ना हाउस वाइफ ही है, तो उन्हें ना नॉलेज भाई बिल्कुल जीरो है कार की, भाई ये कौन सी कार है, मतलब उन्हें ये भी नहीं बताऊंगा अभी हमारे पास कौन कौन सी कारें हैं क्या क्या नाम है उनका, एंड मेजरली तो ना उन्हें पता नहीं था कि मैं आज कार ला रहा हूँ, पापा को तो पता ही था, और ये देख लो इधर से खुद्दू बंदे भी आ चुके हैं हमारी कार में, उधर खड़ाइए उधर, ये मम्मी को दे देते हैं, मम्मी खुश हो जाएंगी, वाओ फ्लावर्स। कैसी है कार फिर, वाइट कलर ब्लैक से कुछ हटके, ऑब्जर्विंग दी न्यू कार, नो रिएक्शन, ये लो गिफ्ट लो आप अपने लिए, मतलब रख दो घर पे, गिफ्ट तो क्या ही। मैं ये कह रही हूँ जो हमारे पे वाइट ब्रीजा थी पहले, हाँ, उसको जैसे गए हुए कितने महीने हो गए और उसके बाद हमने जो वाइट देखी है ना तो इसकी रौनक ये अलग आ रही है ब्लैक से। 3-4 महीने ब्रीजा को बेचे हुए हो गए, 3-4 महीने पहले भाई थार आई थी, चलो ठीक है।
फाइनली गाइस मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया दिन रहा यार, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है ये। चाहे कोई भी कार में लेता है भाई, चाहे छोटी कार लेता है चाहे कोई बड़ी कार लेता है, बट एक होती है ना पहली कार आपके नाम पे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ये फीलिंग्स ना मैं बता नहीं सकता। टफी भी इधर ही घूम रहे, टफी कह रहे भाई आज इतना खुश क्यों है मेरा, मतलब कि ये ना कार की खुशी नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ तो एक अलग ही खुशी है कि हाँ भाई तेरे नाम पे कुछ है, समझ रहे हो ना, नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है भाई। मतलब छोड़ो यार ये सब, फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे ना एंड करता हूँ। बहुत ही रो व्लॉग होगा, बहुत ही रो इमोशन होंगे। वैसे मैं ज़्यादा इमोशंस वगैरह ना दिखाता नहीं हूँ अपने कैमरा पे, मतलब क्यों दिखाने यार, मैं कभी ऐसा फील करता हूँ, बट ठीक है जैसा भी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होप। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, जो हमारी नीड्स है ना वो है ये कि सिटी ड्राइव के लिए, वो भी पापा ने चलानी या फिर कभी किसी और ने उधर जैसे ऑफिस वगैरह में, तब चलेगी है सच। मैं तो अपनी वरना ही चलाऊंगा, और थार आपको पता ही है भाई लाइफस्टाइल कार है, वो अपनी पार्किंग में खड़ी रहेगी, कभी ट्रिप ट्रुप पे गए तो जब चला ली भाई। यही मेन रीजन था बेस मॉडल लेने का। एंड बलिनो ही क्यों चूज करी मैं आपको एक बार उसकी ग्लिम्स दे देता हूँ, नहीं तो अगर आप कहेंगे इन डिटेल तो मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। एल्ट्रोस में यार वो या 3 सिलेंडर इंजन, एंड हुंडई i20 का जो मेन दिक्कत आ रही थी ना मुझे, यार हुंडई सेम हो जाएगी, और i20 ना एवरेज नहीं थी, परफॉर्मेंस भी ऐसा ना मुझे बलिनो की अच्छी लगी। अब आप लोग कहेंगे भाई कि नहीं तू गलत है, i20 अच्छी है या फिर एल्ट्रोस अच्छी है, मैं आप लोगों की बात भी भाई मान रहा हूँ, सबका ना अपना अपना अलग ओपिनियन होता है। मुझे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ना बलिनो लग रही थी, जिसकी बिल्ड क्वालिटी पहले से इंप्रूव हुई है, एवरेज ठीक ठाक है। आई नो बिल्ड क्वालिटी में एल्ट्रोस को कोई बीट नहीं कर सकते हैं, बट यार ये सारी बातें ना बाद में करेंगे। जो ये वाली वीडियो है ना इसे ना मैं पॉजिटिव नोट पे ही एंड करना चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने इंजॉय करा हो घर में, भाई शोर भी इतना हो रहा है खड़ खड़। मैं आप सबको ना फाइनली मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।